आरपी शर्मा और मैं क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, पलवल क्षेत्र देखता हूँ और फरीदाबाद और पलवल जिला इस क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र में हमारी 58 शाखाएँ हैं। ज़्यादातर हमारी शाखाएँ जो गांवों में हैं और आज के दिन जो है ना गांवों में और शहरों में हमारा बैंक सभी प्रकार के जो आवश्यकताएं हैं हमारे कस्टमर्स की, ग्राहकों की, ऋण से संबंधित या जमा राशि से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं हमारा बैंक इस क्षेत्र में प्रदान कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ऐसे में बैंक की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी हमारी जो महिलाएं हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक हमारे बैंक का प्रश्न है तो महिलाओं को सक्षम करने के लिए हमारे बैंक की अलग अलग योजनाएं इस समय चल रही हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काफ़ी महिलाओं को हमने जोड़ा है, कुछ फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नाबार्ड के सहयोग से और अलग अलग फाउंडेशंस के साथ मिलके भी हम जो है ना स्वयं सहायता समूह की एक ऐसी विशेष योजना है जिसमें तकरीबन 80% महिलाओं की भागीदारी हमारे क्षेत्र में है। और अभी केवल पिछले महीने में ही हमने 50 नए स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंक किए हैं जिनमें से अधिकांश समूह महिलाओं से संबंधित हैं और महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको सर्वप्रथम तो हम हैंड होल्डिंग करके उनके स्वयं सहायता समूह चलाते हैं, उसके बाद उनको एक्टिविटीज़ के लिए भी हम फाइनेंस करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जैसे नाबार्ड की योजनाएं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 10 लाख रुपए तक के जो स्वयं सहायता समूह को ऋण देते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाती। साथ ही जॉइंट लाइब्रेरी ग्रुप के जो प्रपोजल्स हैं उनमें भी बिना किसी सिक्योरिटी के हम जो है ना 50,000 रुपये प्रति उद्यमी को हम जो है ऋण प्रदान करते हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए हमने विशेष योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे महिला विकास कार्ड, एक महिलाओं के लिए हम 50,000 रुपये तक का विकास कार्ड देते हैं और उसमें महिलाओं को अपना उद्यम चलाने के लिए, कार्य करने के लिए हम जो है ऋण देते हैं और इसमें दूसरे जो हमारे ऋण हैं उनसे 0.5% ब्याज भी कम लिया जाता है। इसी प्रकार से हमारी बेटियां हैं, बेटियों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन ऋण हम प्रदान करते हैं और हरियाणा सरकार की जो योजना है उसके तहत जो अनुदान राशि दी जाती है वो भी हम छात्राओं को उपलब्ध करवाते हैं और उसमें भी पूरा योगदान हमारे बैंक का है। इसके अलावा कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, जैसे स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम है, ये इसमें महिलाओं के लिए 10 लाख से ऊपर के जो ऋण हैं वो भी हम प्रदान स्टैंड अप इंडिया के तहत कर रहे हैं। हमने 7 ऋण हमारे क्षेत्र में प्रदान कर चुके हैं हम और भी केस हमारे पास प्रोसेस में हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि महिला उद्यमियों के लिए जो बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग दे लेती हैं अपना RCT से, RCT पलवल और फरीदाबाद दोनों जिलों में स्थित हैं, उनसे वो ट्रेनिंग जो ले लेती हैं उन महिला उद्यमियों को भी हम जो भी वो कार्य करना चाहती हैं उसके लिए ऋण देते हैं। पीछे मिनी डेयरी का एक विशेष प्रोजेक्ट आया था नाबार्ड का, तो उसके तहत भी हमने काफ़ी महिला उद्यमियों को मिनी डेयरी के लिए ऋण प्रदान किए हैं। और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पूरे हरियाणा प्रांत में जितने भी महिला उद्यमी हैं उनको स्टैंड अप इंडिया योजना है, चाहे शिक्षा ऋण योजना है, चाहे अन्य कोई योजना है, अन्य कोई प्रोजेक्ट महिला उद्यमी हमारे पास लेके आते हैं तो हम उसको शहर से स्वीकार करते हैं। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तो अधिकांश जो प्रोजेक्ट्स हैं वो महिलाओं को हम देते हैं। और अच्छी बात यह है कि महिलाओं की जो वसूली है, महिलाओं के ग्रुप्स की जो वसूली है कंपेरेटिवली दूसरे ग्रुप से अच्छी होती है। तो इस अवसर पर, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिला शक्ति से आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे बैंक में आएँ
और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं ऋण से संबंधित, हमें उनकी सहायता करने में अत्यंत प्रसन्नता होगी।